बस्ती मंडल के कमिश्नर ने सिद्धार्थ नगर जिले का किया दौरा। कमिश्नर का यह दौरा बतौर रोल ऑब्जर्वर था। अपने दौरे के दौरान कमिश्नर गोविंद राजू एनएस ने आगामी चुनाव के मद्देनजर जिला मुख्यालय स्थित निर्वाचन कार्यालय का निरीक्षण किया। कमिश्नर और जिलाधिकारी ने वहां मौजूद कर्मचारियों से बातचीत की और मतदाता सूची को लेकर की जा रही सभी प्रक्रियाओं को समय से पूर्ण करने का निर्देश दिया। कमिश्नर गोविंद राजू ने कलेक्ट्रेट सभागार में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक भी की और सभी प्रतिनिधियों को 1 नवंबर से 30 नवंबर 2021 तक चलाए जा रहे विशेष मतदाता पुनरीक्षण अभियान में सहयोग करने की अपील भी की। कमिश्नर के इस दौरे और जन प्रतिनिधियों के साथ बैठक के बारे में जिलाधिकारी दीपक मीणा ने बताया कि मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम में लगाए गए कर्मचारियों को अपना काम समय पर करने के लिए निर्देशित किया गया है और जन प्रतिनिधियों से इस बात की अपील की गई है कि वह अपने अपने इलाके में मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर लोगों को जागरूक करें और जिनके नाम मतदाता सूची में कटने या बढ़ने हैं वह भी अपनी देख रेख में करवा ले। देखिए, जैसा आपको अवगत है कि समरी रिवीजन का एक विशेष पुनरीक्षण का कार्यक्रम चल रहा है, जिसके तहत आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर काफी बृहद तरीके से ये वोटर लिस्ट रिवीजन का वर्क चल रहा है और इसमें जो टाइमलाइन है वो 30 तारीख तक आपत्तियां या दावे जो भी हैं उनको ले सकते हैं और उसके बाद उनको प्रोसेस करने का टाइम दिया गया और जनवरी में जाके फर्स्ट वीक में उसका वोटर लिस्ट के प्रकाशन का भी टाइमलाइन आई है। उसी के तहत रोल ऑब्जर्वर के तौर पे कमिश्नर महोदय को नियुक्त किया गया है जनपद के लिए और उनका वर्क है कि अलग अलग टाइम पे विजिट्स करनी है और जो आयोग के निर्देश हैं उस आयोग के निर्देश में उनको यहाँ पे वेरिफिकेशन करने कि फॉर्म्स की फीडिंग कैसे हो रही है। तो उन्होंने वीआरसी सेंटर नौगढ़ पे भी जाके इसका मुआयना करवाया, फिर इलेक्शन ऑफिस में भी जाके रिव्यू किया, उसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज ईआरओ एईआरओ के साथ बैठक भी की, उनकी भी बातें सुनी, उनको भी अवेयर किया जो भी कमीशन के निर्देश हैं। तो इसी क्रम में उनकी विजिट थी, एक तरीके का सभी चीजों को औपचारिक तौर पे देखना कि सही तरीके से रिवीजन हो रहा है और ये टाइम टू टाइम कमीशन के निर्देश में विजिट आगे भी होती रही।